कार स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। आज हम संविधान की प्रस्तावना नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में अगला अध्याय संविधान की प्रस्तावना और इससे जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना में क्या क्या है कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, क्या होगा, सब लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, बंधुता की भावना होगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, अखंडता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आदि सारी बातें हैं, उसको हम गहनता से देखेंगे। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है, इसको प्रियम्बल कहते हैं। आइए देखते हैं, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसे N.A. पालकीवाला, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। यहीं से आपका प्रश्न प्रारंभ हो जाता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि संविधान के परिचय प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी है, तो N.A. पालकीवाला ने जो प्रस्तावना है उसको संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, एक एक शब्द को इसमें ध्यान से देखेंगे, ये एक समझ विकसित करने के लिए भी यह अध्याय महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आज का विषय है। देखिए प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, कौन, हम भारत के लोग, भारत के लोग, भारत को, किसको, भारत को, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त की बात कर रहा है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे भविष्य का निर्धारण करती है कि आने वाला भारत का भविष्य कैसा होगा, उसमें रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, हमारी जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, हमारा जो संसदीय ढांचा होगा वो कैसा होगा, हमारे मत देने की प्रक्रिया कैसी होगी, क्या पूर्व की भांति होगी या सबको समान मत का अधिकार दिया जाएगा, अवसर की समानता होगी, न्याय की समानता होगी आदि आदि चीज़ें, एकता, अखंडता सब होगी। हम इसको और देखिए डिटेल में, पहले जब हमारी संविधान की प्रस्तावना आई थी तो उसमें तीन शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए पंथ और धर्म, धर्म और पंथ, ठीक, एक धर्म के अनेक पंथ हो सकते हैं, जैसे श्वेतांबर दिगंबर, आगे आप लोग देखेंगे आधुनिक में श्वेतांबर दिगंबर या फिर कपालिक, जो हम लोगों का सैव धर्म था उसमें भी विभाजन हो गया। तो धर्म और पंथ, पंथ मतलब जो धर्म में से भी निकलकर अपने अपने हिसाब से
जो लोग किसी विशेष विशेष धर्म को मानते हैं या पंथ को मानते हैं, अपनी विचारधारा को मानते हैं, वो पंथ हो जाता है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए थे, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो पूछता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। अब जो प्रस्तावना के मुख्य अवयव या तत्व है या घटक हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, मतलब जो प्रस्तावना हमारी है उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब जनता। ठीक, उसका स्वरूप क्या है, ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसका स्ट्रक्चर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कई बार ये PCS में इसका क्रम पूछा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था SSPLG। एस से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एस फॉर समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्रात्मक और जी से गणराज्य। ये इसका जो वो है क्रम का है। क्रम कई बार पूछता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्दों का क्रम, सही क्रम का चयन कीजिए, उसमें ये आपका सही क्रम है, उसके बाद इधर उधर करके दे देता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या था हमारे प्रस्तावना का। उद्देश्य ये था कि न्याय के सभी स्वरूप, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, इसमें होने चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किस किस चीज़ की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। समता, समता मिलनी चाहिए, समानता, समता, अवसर की और प्रतिष्ठा की, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता। ये सब जो मुख्य अवयव हैं, घटक हैं, हमारे तत्व हैं, हमारे प्रस्तावना के। सोर्स क्या है, हम भारत के लोग। ढांचा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य क्या है, न्याय के सभी स्वरूप सबको मिले, सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनैतिक न्याय हो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किस चीज़ की, विचार की, अपने विचार को हम लोग प्रकट कर सकें, अभिव्यक्ति दे सकें। विश्वास की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता हो। समता किस चीज़ में हो, अवसर में समता हो, प्रतिष्ठा में समता हो। राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्ता। आगे हम देखेंगे प्रमुख संवैधानिक शब्दों के निहितार्थ क्या है, जो हमारे इसमें प्रस्तावना में जो शब्द है उसका निहितार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, पहला हमारा शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य क्या है, कि भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में कोई भी निर्णय स्वतंत्र होकर लेगा। स्वतंत्र लेके कैसे होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या आंतरिक दबाव में आकर भारत में क्या होगा, निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसको देखिए कैसे, संपूर्ण प्रभुत्व से तात्पर्य है कि भारत अपने संपूर्ण आंतरिक एवं वैदेशिक मामले, कैसे, आंतरिक और वैदेशिक सभी मामलों में बिना किसी बाहरी या आंतरिक हस्तक्षेप के, दबाव के निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। यही हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। आइए एक बार इसको देखते हैं सरसरी निगाह से। प्रस्तावना उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका को एन ए पालकीवाला ने संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया,
ठीक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, प्रस्तावना के मुख्य वो क्या है, प्रस्तावना का सोर्स क्या है, हम भारत के लोग, स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उद्देश्य क्या है, न्याय के सभी स्वरूप, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, स्वतंत्रता के सभी रूप, विश्वास अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, उपासना विचार, समता, अवसर और प्रतिष्ठा की, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। प्रमुख संवैधानिक शब्दों के निहितार्थ में हमने पहला शब्द लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे तात्पर्य है कि भारत अपने संपूर्ण आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। आइए अब आगे देखते हैं। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है। कैसा विचारधारा, कैसी विचारधारा है? इसमें जो समानता के सभी जो प्रत्यय होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनको एक साथ लेकर चलने वाली विचारधारा हमारी क्या है? समाजवादी विचारधारा है। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित अवयव हैं, निम्नलिखित तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं भाई? सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व तो रहेगा। हमारा जो भारतीय समाजवाद है उसका जो निहितार्थ है, तत्व है, अवयव है, वो है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की का सह अस्तित्व रहेगा, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी, ठीक। आय और जीवन की, जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम किया जाएगा। वंचित वर्गों को, मजदूरों को का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखा जाएगा। संपत्ति का केंद्रण किसी एक के पास न हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। मतलब संपत्ति किसी एक के पास न हो, ठीक, इसका प्रयास किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म के नाम पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान को किसी भी धार्मिक ग्रंथ की तुलना में शीर्षता प्राप्त है, अर्थात जो हमारा हमारा संविधान है उसको सभी धर्मों में से अलग रखते हुए उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक, शासन संचालन की शक्ति, शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। भारत के संदर्भ में लोकतंत्र का जो संदर्भ है, भारत के संदर्भ में लोकतंत्र का जो संदर्भ है वो क्या है? राजनैतिक लोकतंत्र हमें मिलेगा, आर्थिक लोकतंत्र मिलेगा, सामाजिक लोकतंत्र मिलेगा। गणराज्य, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होगा, मतलब वंशानुक्रम के आधार पर राज्य के प्रमुख का निर्वाचन नहीं होगा। राज्य का जो हमारा प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता राज्य में नहीं होगी, वहाँ के लोगों में होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो राज्य के प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है वो जनता द्वारा हो रहा है। न्याय, जस्टिस की बात करता है हमारा संविधान, हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल किया जाएगा। मतलब सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात की गई है। व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध पर निषेध, साथ ही उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब वह भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धार्मिक स्थल पर, कहीं भी किसी भी रेस्तरां में जा आ सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिषेध या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उस और साथ ही उसे अवसर और विकास के सभी जो अवसर होंगे उसे उपलब्ध कराया जाएगा। समता, इक्वालिटी किसी के साथ, वो कौन होगा? भारत का नागरिक होगा। लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अन्य तथ्य हमारी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। के मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो उत्तर होगा के मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। दो और महत्वपूर्ण जो विश्व में क्रांति हुई थी, एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 ईस्वी के मध्य, और एक रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। इन दोनों क्रांतियों से हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सीख ली, और जो क्रांति के बाद जिसके लिए क्रांति हुई थी वो जो उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो उस उद्देश्य में जो प्राप्त आदर्श ध्येय थे उनको हमारे संविधान द्वारा
ग्रहण किया गया है, उस हमारे संविधान में उसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत बार पूछा है, बार बार घुमा घुमा के पूछता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व कहाँ से लिया गया है, किस क्रांति से लिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व को कहाँ से लिया गया है। तो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व को रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति कब हुई थी, वर्ष 1917 में। अगली बात आती है कि स्वतंत्रता समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है। स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श को हमारे संविधान की प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति 1779 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक हुई थी। एक बार इसको फिर देखते हैं। देखिए, समाजवादी जो हम लोग संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों के निहितार्थ को देख रहे थे, उसमें समाजवादी से तात्पर्य क्या है, समानता के लगभग प्रत्येक प्रतिमान को परिलक्षित करने वाली एक विचारधारा है। समाजवादी क्या है, समानता के लगभग प्रत्येक प्रतिमान को परिलक्षित करने वाली एक विचारधारा है। भारतीय समाजवाद के कौन कौन से तत्व है, निम्नलिखित है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा, सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी, आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना हमारा प्रयास होगा, वंचित वर्गों और मजदूर वर्गों का के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, संपत्ति का केंद्रण किसी एक के पास नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता एक और विशेषता है, इससे तात्पर्य राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा और हमारा संविधान सर्वोपरि होगा सभी धर्मों की तुलना में। लोकतंत्रात्मक जो शासन संचालन की शक्ति होगी वो भारत की जनता में निहित होगी। भारत के संदर्भ में लोकतंत्र राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक तीनों रूपों में होगा। गणराज्य राज्य का जो प्रमुख होगा परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा और राजनीतिक संप्रभुता जो होगी वो जनता में निहित होगी, वहाँ के राज्य में नहीं। न्याय, इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शामिल किया गया है। स्वतंत्रता, व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध पर निषेध, साथ ही उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। समता, किसी के साथ वो कौन होगा, किसी नागरिक होगा, कौन कहाँ का नागरिक, भारतीय नागरिक के साथ लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अन्य तथ्य क्या है कि मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, और स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक हुई। आज हम प्रस्तावना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को गहनता से पढ़े। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, उन्हीं के आधार पर हम अपनी कक्षाओं को और दिनोत्तर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ।